बड़ी बात, आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर जल्द आ सकती है। इससे ना सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी बल्कि पेंशनर्स के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। इसमें न्यूनतम वेतन और पेंशन में दुगना से ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार आठवें वेतन आयोग पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श मशीनरी, जिसे NCJCM भी कहा जाता है, इसके स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की मांग पर विचार शुरू कर दिया है। गोपाल मिश्रा की माने तो जल्द ही देश में आठवें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही है, ऐसे में विकास के साथ साथ कर्मचारियों के लिए भी बड़े कदम उठाने का समय आ चुका है। सवाल यह है कि 7वां वेतन आयोग कब खत्म होगा और 8वां वेतन आयोग कब चालू होगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किए गए 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 की फरवरी माह में किया गया और इसे सरकार ने 1 जनवरी 2016 में लागू कर दिया। अब 2025 दिसंबर में इस आयोग की अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस वर्ष या फिर अगले वर्ष शुरुआत में सरकार 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे सकती है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ कर्मचारियों को 20% तक भत्तों में भी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। ऐसे में ना सिर्फ कर्मचारी बल्कि पेंशनर्स भी मोटा लाभ कमा पाएंगे। अब तमाम बातों के जरिए 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो वेतन पेंशन की बढ़ोतरी की स्थिति क्या होगी। कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 2 गुना इजाफा होगा। न्यूनतम सैलरी भी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो जाएगी। अब जो पेंशन वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि 9,000 रुपए से आपकी पेंशन बढ़कर 17,280 रुपए हो जाएगी। अब पेंशन की एक और बड़ी बात, अगर आप भी पेंशन भोगी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि पेंशन भोगी पिछले काफी समय से ये मांग कर रहे थे कि पेंशन प्रणाली को अपडेट किया जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है तो उनकी बेसिक वेतन का, जो उनका बेसिक वेतन है, उसका 50% पेंशन दिया जाता है, लेकिन पहले 70% देने का नियम था जिसको खत्म किया गया है। अब इनकी मांग यह है कि अंतिम बेसिक वेतन का 67% पेंशन का भुगतान किया जाए। हालांकि सरकार ने अभी अंतिम सैलरी का 50% ही पेंशन के रूप में देने पर विचार किया है। अब देखना होगा कि सरकार पेंशन भोगियों की मांग को लेकर क्या फैसला लेने जा रही है। भारत पेंशन भोगी समाज ने एक और बड़ी मांग केंद्र सरकार से की है। इनका कहना है कि अगर 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% बढ़ोतरी है तो फिर पेंशन भोगियों में जीने की इच्छा पैदा होगी और उनमें एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसलिए इस कल्याणकारी योजना को तुरंत लागू किया जाए और इससे पेंशन भोगियों को फायदा मिल पाएगा। अभी तक नियम यह है कि जब पेंशन धारक की उम्र 80 साल होती है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाती है, क्योंकि 80 साल उम्र ज्यादा है, इसलिए इसका लाभ कुछ ही पेंशन भोगी उठा पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर 80 साल तक जीवित नहीं रह पाते। अब आपको DSP अकाउंट को लेकर भी कुछ जानकारी देते हैं। डिफेंस के पेंशन भोगी अपने पेंशन अकाउंट को DSP अकाउंट में बदल सकते हैं, उनको ढेर सारे इसके फायदे मिल पाएंगे। इसके लिए आपको बैंक जाकर एक एप्लीकेशन देना होगी, DSP अकाउंट में अपने खाते को चेंज कराना होगा। आपको ये बता दें कि सामान्य पेंशन अकाउंट में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है, लेकिन DSP पेंशन अकाउंट में व्यक्तिगत दुर्घटना होने पर बीमा कवर मिलता है। 2 महीने के वेतन के बराबर एडवांस में 40,000 रुपए तक आप निकाल सकते हैं, ये सुविधा होती है। और इधर केरल हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ा फैसला कर दिया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है, पेंशन देना या फिर ना देना ये किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है, पेंशन संविधान के द्वारा किए गए अधिकार का फल है, सरकार इसे किसी भी सूरत में रोक